घर की वाली मांगी कहाँ गई? घर घर का माली था, घर का माली ये मालिक प्रभु जी मालिक माला जोता आओ जी इसका इधर आ इधर प्रणाम कर लो कर चुने हम अब घर में आए घर अब घर में घर से घुस कर बैठे नहीं बैठे थोड़ी वो लगाए ना नहीं बैठे तो पीछे बैठ दो शर्म लगाए ना नहीं इधर बैठ दो अब घर वाली कौन है अरे इधर आ जाओ तुम भी हमारी तरफ बैठ जाओ इधर आ जाओ नहीं इधर इधर एक मिनट इधर आ जाओ दोबारा और दो चार आदमी को बुला लेते हैं जान पहचान के इनके लिए ताली बजाओ आज इन्होंने घर में भक्ति रखा अब तो माता जी से इनकी बेटियां हैं जो तो इनकी बेटियां हैं कहां गई नहीं है पानी ला रहे पानी 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 सामने बैठो आगे कथा सुनो सामने बैठो पारुल ने बुला ला दे पानी ला दे फटाफट पानी क्या हो गया तुमको प्यास लग रही है गर्म कर आपके लिए और इनके लिए कथा को बीच में नहीं देनी चाहिए कथा से पहले देनी चाहिए तुम ना जितने गड़बड़ी करने वाले सामने बैठ गए हरे कृष्ण सर बैठ बैठ हरे कृष्ण हाजिर हो आज हम लोगों का बड़ा भाग है प्रभु जी का नाम क्या है क्या नाम है राजू 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 क्या है राजू राजू राज सिंह इनका नाम नहीं राज सिंह है राज सिंह राज सिंह है आज हम लोगों का बड़ा भाग है श्री राज सिंह प्रभु ने आज घर में सत्संग करवाया इसलिए भागवत में बताई जिस दिन घर में संत लोग आते हैं घर में जिस दिन सत्संग हो यदि जो घर वो घर नहीं है वो घर भगवान का धाम बन जाता है क्या बन जाता है घर भगवान का धाम बन जाता है इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल है जिस दिन घर में कथा हो वो जो घर का जितने सारे अमंगल है ये सारे अमंगल घर का ये खत्म हो जाते हैं इसलिए आज हम लोग का बड़े भाग्य है हैं? आज घर में ये भक्त लोग आए और घर में भगवान की कीर्तन और घर में सत्संग हो रहे ठीक है ना इसलिए आप लोग भी अपना घर में कभी कभी सत्संग रखवाया करो ठीक है घर में संत लोग आए घर में हरि चर्चा हो घर में भगवान की कीर्तन नाम हो इसलिए शास्त्र में एक श्लोक बताए बोले कहते गंगा पापम बोले चंद्र तापम धन्य कल्प तरु हरे तथा तथा पापम तथा पुण्यम हरे सत्समागम इसका मतलब होता है कहते गंगा क्या करती है कहते हमारी पाप भरने करती है हम कहते हैं ना चलो हम सब के सब गंगा स्नान करके आते हैं और सारे पाप को हम धुल कर जाते हैं बोलते हैं ना गंगा स्नान करते कि नहीं गंगा स्नान हाँ बोले जो गंगा है ये हमारे सारे पाप को नष्ट करती है बोले चंद्र क्या नष्ट करती है बोले चंद्र है समस्त ताप को दूर करती है जैसे गर्मी का समय आया जब गर्मी का समय में क्या होता है लोगों को बड़ा गर्मी लगता है दिन में लेकिन रात को जब चंद्रमा उदय हो क्या होता है सारे ताप नष्ट हो जाते हैं रात में चंद्रमा उदय होने पर कहते हैं दन्य कल्पतरु हरे कहते एक कल्पतरु कल्पतरु मतलब होता है जो मांगो उस वृक्ष से उसको ही मिलेगा कहती है कल्पतरु क्या करती है कहती है हमारी समस्त दुखों को ये कल्पतरु दुखों को हरण करती है लेकिन शास्त्र कहता है जो सत्संग है ना ये सत्संग तीनों को ही नष्ट कर देता है सत्संग ये तीनों को ही सत्संग नष्ट कर देती है
गंगा तो पाप को नष्ट करती है, लेकिन इस सत्संग अगर सुन भी ये क्या करता है, ये भी समस्त पापों को ये भी हरण कर देती है। सत्संग अगर बैठ जाओ तो तुम्हारे जितने पाप है समस्त पाप भी ये दूर कर देगी सत्संग में। बोले एक समय श्री नारद जी भगवान के पास में गए, बोले ठाकुर जी आप कृपा करके बताओ, हर शास्त्र कहता है सत्संग में बड़ा पुण्य मिलता है, संत दर्शन से बड़ा पुण्य मिलता है, हमें डायरेक्ट दिखा करके बताओ ये सत्संग साधु दर्शन से क्या होता है। इतने में श्री भगवान ने बोले एक काम करो, तुम जंगल में जाओ, वहां पर एक गिरगिट है, वो जो गिरगिट है ना ये तुमको सत्संग की साधु दर्शन का फल वो गिरगिट बताएगा। तो उन्होंने गए, कहां जा रहे हो, ए कुत्ते को खुला नहीं, जल चुपचाप बैठ यहां पर। इसलिए देखो कहते, इसलिए कहते जाओ वो जंगल में गिरगिट है, जो गिरगिट है ना ये गिरगिट तुमको बताएगा ये साधु संग की क्या महिमा है, साधु दर्शन की क्या महिमा है। तो उन्होंने वहां पर गए जंगल में, जब जंगल में गए वहां पर देखा तो एक गिरगिट है, जब गिरगिट को पास में जा करके बोले भैया आप कृपा करके बताओ ये साधु संग की क्या महिमा है, सत्संग की क्या महिमा है। जब उन्होंने इतना बताया ना, जब कुत्ते को और कोई रख करके, डिस्टर्ब करने के लिए बोला, हरे कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले ये इसका इको ना एकदम कम कर दो भैया, हरे कृष्णा। इसलिए बोले क्या करो, वो गिरगिट तुम्हें बताएगा ये साधु संघ की क्या महिमा है। इतने में हाँ ठीक है, तो उन्होंने गए गिरगिट को देखा, वो गिरगिट को पूछा भगवान ने तेरे पास में भेजे हैं ये साधु संघ की संत दर्शन की क्या महिमा है। अब गिरगिट देखे हो, अब देखना सर पे ऐसे ऐसे हिलाता है, जो दो तीन बार पूछा हिलाते हिलाते गिरगिट भी प्राण त्याग कर दिया, भैया तो मरी गया, ये साधु संघ का क्या महिमा बताएगा। फिर वापस आए ठाकुर जी के पास में, बोले ठाकुर जी ऐसे जगह पर भेजे, दो तीन बार पूछते गिरगिट तो प्राण त्याग कर दिया। बोले और एक काम करो, वो जंगल में जाओ, वहां पर के तोता है, ये तोता साधु संघ सत्संग की महिमा बताएगा। बोले तोता क्या बताएगा, बोले जा करके देखो, जब उसको भी दो तीन बार पूछा ना वो तोता भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये क्या हो गया, जिसको पूछो वही शरीर छोड़ देता है। वापस आए तो बोले प्रभु ये तो दोनों ही प्राणी शरीर छोड़ दिया। बोले और एक ही काम करो, बोले क्या है, बोले अमुक स्थान पर जाओ, देखो कि एक गैया ने एक बछड़े जन्म दिया, वो बछड़ा बोलेगा। जब उन्होंने वहां पर गई देखा सचमुच से एक बछड़ा जन्म लिया था, जब उन्होंने बछड़े को सत्संग की महिमा पूछे, दो तीन बार पूछते ही वो बछड़ा भी प्राण त्याग कर दिया। बोले ये क्या हो रहा है, जहां जाओ वही प्राण त्याग कर देता है। वापस आए बोले प्रभु तीन तीन प्राणी हमसे मरवा डाले हो, ये क्या साधु संघ की महिमा बताए। बोले अंतिम बार जाओ और नहीं भेजूंगा, अमुकी राज्य में जाओ, राजा के एक बेटा जन्म लिया होगा, वो बेटा ही तुम्हें साधु संघ की महिमा बताएगा। बोले ये बेटा क्या बताएगा, बोले जाओ ना पूछो जाकर के। बोले ये तो तीन प्राणी शरीर छोड़ दिया, अगर अंतिम समय में राजा का बेटा अगर प्राण त्याग कर देगा ना, राजा तो सीधा हमें जेल में बंद कर देगा। वो डरते डरते गए, देखा सचमुच से राजा का एक बेटा जन्म लिया है। तब उन्होंने उसको पूछा भैया सत्संग की क्या महिमा है, जो दो तीन बार पूछा ना इतने में वो जो बेटा भी रोना शुरू कर दिया। बोले हो गया, इसका भी काम हो गया, अगर ये बेटा अगर मर गया तो राजा तो सीधा हमें जेल में बंद कर देगा, भागा वहां से भगते ही। इतने में वहां के जो दासी थी वो दौड़ दौड़ करके राजा के पास में गए, बोले महाराज ये जो बच्चा था ना वो जन्म से ही था गूंगा, जन्म से क्या था वो गूंगा था, लेकिन जब नारद जी को दर्शन करते ही जो गूंगापन उसकी खत्म हो गया, क्यों उसकी पाप नष्ट हो गई। इतने में जो रोना शुरू कर दिया, वो एक दासी जाकर के राजा को बोले महाराज आपको तो बच्चा है ना जो गूंगा था उसका मुंह खुल गया। बोले कैसे, बोले कोई संत आए थे
वो संत दर्शन मात्र से ही उसका गुंगापन खत्म हो गया। बोले जल्दी जल्दी वो संतों को बुला करके लाओ, जल्दी जल्दी चुपचाप वहां बैठो। इसलिए बोले जाओ जल्दी जल्दी उसको बुला करके लाओ। इतने में नारद जी को बुलाने के लिए गए, इतने में जब नारद जी को बुलाने के लिए गए ना, नारद डरे, बोले हो गया लगता है बच्चा शायद मर गया होगा, शायद राजा मेरे को बुला रहे हैं, अभी बाबा को पकड़े, बोले राजा बुला रहे हैं। अभी डरते डरते नारद जी आए, जब नारद जी डरते डरते आए, इतने में राजा ने नारद जी को चरण में गिर पड़े, बोले बाबा मेरा बच्चा जन्म से ही गूंगा था, लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही उसका गूंगापन उसकी खत्म हो गया है, आपकी बड़ी कृपा हो गई। इतने में वो जो राजा का बेटा था ना, वो बेटा बोल पड़ा, बोले नारद जी सत्संग की महिमा समझे? बोले नहीं। बोले जब पहले भगवान ने आपको भेजा था वो गिरगिट के पास में, पहले में वही गिरगिट था, मैं क्या था पहले? क्या था? जोर से बोलो, मैं गिरगिट पहले था, लेकिन जब संतों का दर्शन किया वो दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। फिर मेरे को थोड़ा ऊंचाई ऊंचा जन्म मिला, फिर मैं तोता बन करके जन्म लिया। फिर ठाकुर जी तुमको भेजे, जब तुमको भेजे, जब आपका दर्शन किया, फिर ये मेरे ये तोता शरीर भी छूट गई, फिर मैंने बछड़े जन्म लिया है। देखना जो गैया है उसका शरीर में 33 करोड़ देवताओं की निवास ये गैया में होता है, हैं? इसलिए गो माता, हम गैया को पूजा करते हैं ना, इसलिए ये गो माता है। इसलिए फिर मेरी जन्म हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ? बछड़े बन करके। लेकिन जब आप मेरे को दर्शन करने आए, आपको दर्शन किया, दर्शन करते ही वहां भी मेरी पाप खत्म हो गई, खत्म होकर के राजा का घर में मैंने राजा का बेटा बन करके आया, राजा का मैंने बेटा बन करके आया। लेकिन बेटा तो जन्म लिया, लेकिन बचपन से ना मेरे गुंगापन था, बचपन से मैंने गुंगा था, इसलिए। लेकिन फिर जब आए आप दर्शन करने के लिए, जब फिर आए कहते ये मेरी गुंगापन भी खत्म हो गया और मेरा मुंह भी खुल गया, मेरा मुंह भी खुल गया, इसलिए मेरे सारे पाप हमारी नष्ट हो गए। देखो ये साधु संघ की सत्संग की कितने महिमा है, हैं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई पर राम कृपा बिना सुलभ ना सो। जब तक जीवन में हमें सत्संग नहीं मिलता है क्या होता है, तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होता है ना, तब तक जीवन में सत्संग भी हमें नहीं मिलती है। इसलिए आज समझो हमारा बड़ा भाग है, हमारे श्री राजवीर क्या ना, राज सिंह प्रभु, और मैया का नाम राजेश। बाबा नाम बहुत जोड़ी नाम है तुम्हारे, नाम तो बढ़िया नाम मिला तुम लोग दोनों को, हाँ? इसलिए आज तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, घर में तुम्हारी सत्संग हो रही है, संत लोग आए हैं, हाँ? इसलिए शास्त्र कहता है जिस घर में सत्संग होना, पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है, कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब, मतलब 600 करोड़ पृथ्वी में तीर्थ है। जिस घर में सत्संग होना, पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में आकर के बैठ जाते हैं, वो घर घर नहीं, वो घर भगवान की धाम बन जाता है, भगवान की धाम बन जाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं बोले जो सत्संग क्या करता है, कहते जैसे गंगा जैसे पाप को हरण करती है, ये सत्संग भी हमारे सारे ये पाप को हरण कर देती है। बोले चंद्र तापम, कहती है चंद्रमा क्या करती है, बोले ताप को हरण करता है। बोले जो सत्संग है वो भी जीवन का समस्त तापों को, जीवन का समस्त दुख कष्टों को, ये सत्संग भी समस्त दुख कष्टों को ये हरण कर लेता है, हैं? इसलिए कहते धन्य कल्प तरुहरे, कहती ये कल्प तरु क्या करता है, बोले हमारी दुख दारिद्रता को ये नष्ट कर देती है। कहती ये सत्संग क्या करता है, ये भी हमारे जीवन का जितने दुख दारिद्रता है, जीवन में जितने दुख कष्ट है, ये सत्संग भी समस्त दुख कष्ट को हमारी हरण कर लेती है। इसलिए आज हम लोगों का बड़ा भाग्य है जो कि यहाँ सत्संग हमें मिला है। अभी प्रश्न है,
हमें ये सत्संग से मिलता है क्या? ये सत्संग को इतने महिमा क्यों बताए? है क्या चीज सत्संग में मिलता है जो ताप कष्ट पाप नष्ट कर देता है? जो सत्संग होता है ना घर में, जो संत आते हैं, हमें क्या दे करके वो जाते हैं? बोले भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम को दे करके जाते हैं, और ठाकुर जी की नाम को हमें दे करके जाते हैं। क्या दे करके जाते हैं? ठाकुर जी की नाम को दे करके जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं, हमारे जीवन का जितनी दुख दारिद्रता सबके सब ये नष्ट हो जाती है। अभी प्रश्न होता है, हम लोग भगवान का नाम क्यों जप करें? किस लिए भगवान का नाम जप करें? भगवान बड़े दयालु है, कहते ना तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देवदेव। हमारे जो पिता माता कौन है? ठाकुर जी है। कौन है? मोहन बाबा है। कौन है? कौन है? मोहन बाबा। मोहन बाबा बोले कृष्णा, ये कृष्णा हमारी गिरिराज बाबा। कहते तुम लोग गुजर है ना? सब गुजरी हो? कौन कौन गुजरी? हाथ उठाओ। सब गुजरी हो? इसलिए कहते गुजरन का जो देवता है ना, गिरिराज बाबा है। बोले श्री गिरिराज बाबा की। और तुम्हारी जो कुल देवता है मोहन बाबा, मोहन बाबा है ना? हाँ। और जो असली मोहन जी तो बैठे हुए हैं, मोहन जी कन्हैया हमारे बैठे हुए हैं। इसलिए ये हमारी असली पिता माता, हम उनके बच्चे हैं। अगर घर में देखना, अगर बच्चे अगर खुश हो ना, पिता माता भी खुश रहते हैं। अगर पिता माता अगर खुश, लेकिन बच्चा अगर दुखी है, फिर पिता माता सुखी रहते हैं? नहीं। बच्चों का सुख देख करके पिता माता ही सुख रहते हैं। बच्चे अगर ठीक ठाक है, पिता माता भी खुश रहते, मेरे बच्चे ठीक ठाक है। इसलिए हम कौन हैं? ठाकुर जी के बच्चे हैं। लेकिन ठाकुर जी को बच्चे तो हम हैं, लेकिन इस संसार में बड़े दुख कष्ट को उठा रहे हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी है। हम संसार में दुखी 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 संसार में। इसलिए हमारे जो पिता जो ठाकुर जी है वो दुखी है, क्योंकि हम तो भगवान की औलाद हैं, लेकिन सबके सब दुखी है। अभी प्रश्न होता है, फिर हम सुखी कैसे बनेंगे? कभी जीवन में हम सुखी कैसे बनेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं, तब भी तुम जीवन में सुखी बन सकते हो, अगर जीवन में भगवान के अगर नाम को जप करोगे ना, ठाकुर जी के नाम को अगर जप करोगे, तो तभी जीवन में तुम सुखी रह सकते हो। हैं? इसलिए भगवान कलयुग में, विशेष करके भगवान कलयुग में बोले मेरे नाम को जप करो। बोले कौन सा नाम को जप करनी चाहिए? एक बार हाथ उठा करके बोलो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खड़े हो जाते हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे मतलब होता है हमारे जो दुख कष्ट को जो हर कर दे, हरण कर दे। अगर हरि का नाम लोगे तो क्या होगा? तुम्हारे दुख कष्ट तुम्हारी हरण हो जाएगी। बोले कृष्ण बोलोगे तो क्या होगा? जो मन में जो अशांति है, अगर कृष्ण बोलोगे ना, मन को शांति मिलेगी। बोले राम मतलब क्या है? बोले जीवन में आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो जोर से। जीवन में तो यही चाहते हो ना, पाप दूर जाए, मन को शांति मिले, आराम मिले, यही चाहते हो ना? ना इससे और कुछ चाहते हो? यही चाहते हो ना? बोले जब हम भगवान के नाम जप करेंगे ना, हमें यही चीज मिलेगा। इसलिए अभी प्रश्न होता है, हम भगवान के नाम क्यों जप करें? हमारे ये प्रभु जी आपके एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे। सब बच्चों से ध्यान देकर सुनो। ये स्टोरी सुनने का बाद है ना, तुमको पूछूंगा तुमने क्या सुना। छोटे छोटे बच्चे है ना, आप लोग सबको पूछूंगा, ठीक है? मन लगा करके सुनो, बाबा की कहानी स्टोरी सुनाते, तुम लोग भी याद कर लेना, दूसरों को भी सुनाना, ठीक है ना? देखो ये जो नुपुर दीदी है ना, आज हम यहाँ पर कैसे आए हैं, ये दीदी ने हमको लाई है। सहारनपुर में भी इन्होंने ही व्यवस्था करके कथा, उन्होंने भी व्यवस्था कथा की है। उन्होंने जितने गुजरी है ना, और भी हमारे की गुजरी है उधर, बहुत उनको जो
जो मैं बहुत गुजरियों को उन्होंने जोड़ी है, हमारी सरिता दीदी है, बहुत गुजरी को उन्होंने अपना जो में जुड़े और बहुत क्लास देती हैं, सबको वृंदावन ले जाती हैं, दर्शन कराती हैं, और ये भी एक गुजरी है। और हमारी जो प्रचार है ना, प्राय करके सब गुजर में हमारे ज़्यादा भक्त लोग हैं, गढ़ी में है, आलीगांव में, तुगलकाबाद में एक बांस ना बांस है, वहाँ पर भी एक कथा है। लगता है तुम लोगों से परिवार एक ही परिवार से बड़े हैं ना, सबके सब किसी ना किसी तरह से जब एक व्यक्ति को पूछते हैं ना, सब उनके परिवार निकल जाते हैं, इनके सबके सब गुजरी गाँव ना, गुजर का एरिया है। अच्छी बात है, गुजरिया खोल के बरिया तेरे घर में आई, जानते हो गुजरी कौन है? ये गोपियाँ हैं, राधा रानी गुजरी है, राधा रानी को ही गुजरी कहते हैं। तुम सब राधा रानी की परिवार हो, सब गुजरी हो, गोपी हो, हैं? अभी सही गोपी तभी बनोगे जब मोहन बाबा कृष्ण को भक्ति करोगे, तभी सही गोपी बनोगे। ठीक है, प्रभु जी कथा सुनाएंगे, सुनाओ। एक समय की बात है, काम कर दो। हाँ बोलो। उसको बंद करो, इसमें बोलो। एक समय की बात है, अजी बोल किराने, इसको बंद कर दो पूरा। हाँ, एक समय की बात है, एक भिखारी भीख मांगते हुए जा रहा था, उसे सेठ मिले। सेठ ने उनसे कहा, भिखारी से, तुम हट्टे कट्टे हो, जवान हो, हमारे हाथ पैर सब कुछ ठीक है, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बोले, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं कहीं सफल नहीं हो पाया, अब मेरे पास अंतिम उपाय है ये भीख मांगने का, अपनी भीख मांग करके अपने जीवन यापन करता हूँ। तो सेठ ने कहा, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम उसमें अगर सहयोग करो तो तुम्हारा उसमें कुछ लाभ होगा। भिखारी कहने लगा, सुबह सुबह का टाइम है, क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? कहां मैं भिखारी और कहां आप सेठ, इतने बड़े सेठ, आप मुझे अपने बिजनेस में कैसे सहयोग में ले सकते हैं? बोले, नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूं, तुम मेरा सहयोग करो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। भिखारी बोला, ठीक है। सेठ ने कहा कि जितना मेरा बिजनेस है उसमें 90% तुम रखना और 10% मुझे दे देना। उनकी दोनों की डील हो गई, 90% और 10%, याद रहेगा, भिखारी को कितना, 90% और सेठ जी को 10%, डील हो गई। उसके बाद सेठ ने कहा कि 10% एक महीने बाद तुम मुझे देते रहना, बाकी तुम अपने पास रखना। और उसने बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस शुरू करने के बाद एक महीना हुआ, अब भिखारी को देना था 10% एक महीने बाद, लेकिन वो नहीं आया। सेठ ने सोचा, शायद चलो कोई काम होगा, उसको बिजी होगा इसलिए नहीं आया। फिर दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में भी वो नहीं आया। इस तरीके से 6 महीने बीत गए, परंतु वो भिखारी बिजनेस पकड़ करके और जो काम कर रहा था वो पैसे देने आया नहीं 10% उसके, सेठ के। उसके बाद सेठ ने सोचा, कहीं ऐसा वो नहीं कहीं मर गया हूं, देख करके आता हूँ, कुछ 6 महीने बीत गए अभी तक तो आया नहीं। वो सेठ जो है वहां पहुंचा उसके यहाँ पे, उसने जाकर दिखाई, बहुत बड़ा आलीशान बंगला बना लिया उसने, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ बना लिया। जाकर के पूछा, यहाँ पर कोई ऐसे इस नाम का व्यक्ति रहता है? उन्होंने कहा, हाँ रहते हैं। बोले, उनसे मिलवा दो मुझे जरा। उनसे मिलने के लिए गया, सेठ ने पूछा, मुझे जानते हो? तो भिखारी ने क्या जवाब दिया पता है, आप कौन है, कहां से आए हो? जब उसने उसको बिजनेस दिया अपना और सेठ से पूछता कि आप कौन हो, कहां से आए हो, तो सेठ जी बोले, जितना बिजनेस मैंने ये दिया है तुम्हें और ये बंगला खड़ा कर लिया तुम्हें, मैं वही हूं जो तुम्हें 90% का मालिक बनाया था और 10% का तुमसे बोला था कि 10% मुझे दे देना। सेठ जी को भिखारी बोलता है, अच्छा जी, आप वही हैं जिसने 90% मुझे दिया था और 10% आपके लिए। भिखारी बोलता है, आप बहुत बढ़िया आदमी है, सारा काम मैं करूं और 10% तुम्हें दूं, ऐसा थोड़ी होता है, और सारा काम मैं कर रहा हूं, तुम काम फायदा किसे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, आपको क्यों मिलेगा?
ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को आप लोग क्या कहेंगे? बताओ क्या कहोगे आप लोग ऐसे व्यक्ति को? पापी दुष्ट, बेईमान, धोखेबाज, नवखराम, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे लोग, अनेक प्रकार के लोग हैं, पता नहीं क्या क्या संज्ञा देंगे उसे। और वो व्यक्ति कौन है? सब कुछ, ये सब कुछ, घर बार, धन दौलत, ऐशो आराम, ये शरीर किसने दिया हमें? ठाकुर जी ने। ऐसे ही वो सेठ कौन है? ठाकुर जी, उसने हमें सब कुछ दिया और हम बन गए मालिक। 10% अब तुम्हें क्यों दे? मालिक तो हम है। ऐसे ही हम वो नमक हराम, धोखेबाज हम है, है क्या नहीं? हम ठाकुर जी को क्या देते हैं? कुछ देते हैं। और सेठ ने क्या कहा था कि मुझे 10% दे देना, जो मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ उसका 10% मुझे देना। वो तो बिजनेस में क्या होता है, पैसा वैसा देते हैं, लेकिन ठाकुर जी क्या मांगते हैं? ठाकुर जी हमसे पैसे वैसे कुछ नहीं मांगते, ठाकुर जी मांगते हैं हमसे समय। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का 10% कितना होगा? 2 घंटे 40 मिनट होगा, नहीं होगा? हरी बोल। 2 घंटे 40 मिनट होगा। हम कितना समय देते हैं ठाकुर जी को? कितना समय देते हैं हम? अपने घर के काम से ही फुर्सत नहीं। ठाकुर जी को समय तो देंगे, अपने घर के काम से फुर्सत नहीं, अपने कामों से फुर्सत नहीं। एक बात बताओ, ठाकुर जी ने हमें इतना सब कुछ दिया, अब हमें उसके लिए कुछ देना चाहिए नहीं? क्या देना चाहिए? समय देना चाहिए ठाकुर जी को, समय देना चाहिए। चार युग हुए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये तो पता है ना। सत्ययुग में लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे, तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे। हिरण्यकश्यप का नाम सुना आपने? प्रहलाद जी के पिता जो थे, उन्होंने 60,000 साल तपस्या की। उस समय मनुष्य की आयु होती 1,00,000 वर्ष, उन्होंने 60,000 साल तपस्या की। कैसे? एक अंगूठे पे खड़े होकर के, दोनों हाथ ऊपर करके, सिर ऊपर करके, और एक अंगूठे पे खड़े होकर के तपस्या की। हम कर सकते हैं ऐसा? एक घंटा खड़े नहीं हो सकते हम, 60,000 साल तो बहुत दूर बात है। तो उस समय भगवान की जो है तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे। उसके बाद आया त्रेता, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे। अभी यज्ञ होगा, उस समय उसमें बहुत सारी सामग्री चाहिए, वो सामग्री भी शुद्ध नहीं मिलेगी, उसमें भी बहुत प्रकार की अशुद्धियां होंगी। हरि बोल, हरि बोल। है हरि बोल, हरि बोल, श्री राधे, राधे राधे। बात मत करो। त्रेता में यज्ञ होता था, अभी यज्ञ होगा, अभी सबको निमंत्रण दिया जाए, यहाँ पे यज्ञ होगा। यज्ञ में अग्नि जब प्रकट होती है, उसके पास आसपास जो बैठे लोग हैं वो कितने समय तक बैठ सकते हैं यज्ञ के सामने? उस अग्नि के सामने कितने समय तक बैठ सकते हैं? यज्ञ होता 3-4 घंटे तक, कितने समय तक बैठेंगे? 1 घंटा बहुत मुश्किल बात है, कोई बैठ पाए बहुत बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति होगा। 1 घंटा बहुत मुश्किल बात है यज्ञ के सामने बैठना। इस समय भी जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे आलसी आलसी हैं कि हम यज्ञ के सामने बैठ नहीं सकते। पैसे तो लगते ही हैं। पैसे तो भी मेरी में भी लगा, बताओ। कोई बात नहीं, द्वापर में भगवान का अर्चन पूजन करके भगवत प्राप्ति होती थी। अभी हम जितनी सामग्रियां होती हैं हवन पूजन की, वो हमें शुद्ध नहीं मिलती हैं, उसमें कुछ कुछ अशुद्धियां होती हैं, और हर समय हम भगवान का अर्चन पूजन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए भगवत प्राप्ति अभी कलयुग में संभव नहीं अर्चन पूजन के द्वारा। भगवान ने, हम किसकी संतान है?
भगवान की संतान है। जैसे माता पिता की संतान होती है तो अपने बच्चों का उनको ध्यान होता नहीं होता, और उनको हर जो वस्तु चाहिए उनको वो दे देते हैं। ऐसे ही भगवान हम पे कृपा करके स्वयं नाम रूप में प्रकट हो गए। किस नाम के रूप में? मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, जो घुमा उसको बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये नाम लेने में किसी को कष्ट हुआ? कुछ पैसे लगे? अभी बता रही थी बीमारी में पैसे लगते हैं, इसमें पैसे लगते हैं, उसमें पैसे लगते हैं। अब बताओ इसको लेने में कोई पैसे लगे किसी के? कोई कष्ट हुआ? पर भगवान ने हम जैसे अधम जीवों पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान नाम के रूप में प्रकट हो गए। क्या हम नाम लेते हैं भगवान का? ये वाला नाम है आप लेते हैं, लेकिन और जो है आप भी तो लेते हैं, बाकी और जो है उनका क्या है? वो भगवान की संतान नहीं है? वो भी तो भगवान की संतान है। भगवान ने हमें इतना सरल उपाय दे दिया, फिर भी हम इतने आलसी हैं उस नाम को लेने में भी बड़ा संकोच करते हैं। ये नाम कैसा है? हम संसार में क्या करते हैं? दो ही काम करते हैं, पाप और पुण्य, और तीसरा कोई काम करते हैं? जो व्यक्ति पाप करता है वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। और जो पुण्य करता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। लेकिन ये जो नाम है स्वर्ग से भी ऊपर ले जाएगा, जहां भगवान रहते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, वहां से व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते धाम परमं मम, कि उस धाम से कोई व्यक्ति वापस नहीं लौटता है। नरक में जाएगा तो वापस आएगा ही नहीं, तो नरक में चला गया। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी व्यक्ति पृथ्वी पे आता है। गीता में बताया भगवान ने, तेतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जितने समय तक हमने पुण्य कर्म किए, आपने 10 रुपए कमाए, आपको 10 रुपए का ही तो फल मिलेगा, ज्यादा का थोड़ी मिलेगा। आपने जो पुण्य किए हैं उस पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। उतने समय तक ही आप स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद वहां जो देवी देवता है ना, आपको ढकेल देंगे वहां से, भागो यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहां पर, तुम्हारे पुण्य खत्म, और सीधे फिर यहीं इस मृत्यु लोक में। तो क्या फायदा हुआ पुण्य कर्म करके भी? क्या फायदा मिला? कुछ नहीं। इसीलिए भगवान ने ये नाम रूप में प्रकट होकर के हम पे कृपा की कि आप इस नाम को करो, इस नाम को करने से मेरे धाम को आ जाओगे, और वहां से कभी पतन नहीं होता। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठ जा, इनके लिए ताली बजाओ, इतना बढ़िया। देखो ये कलयुग में ये जो भगवान का नाम ये दवा है। जैसे आपको कोई बीमारी, कुछ कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर बोलेगा देखो दवा तो बहुत बढ़िया तुम्हें दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे ना ये दवा जल्दी जल्दी असर करेगी। अगर आप बगैर परहेज को साथ में दवा लोगे, दवा तो लोगे, पैसा तो खर्च होगी, लेकिन तुम्हारी बीमारी सही नहीं होगी। बेचारे कलयुग में दवा क्या है? बोले ठाकुर का नाम, बड़ी मीठी दवा है। अभी बता रहे थे ना, जैसे यज्ञ करने के लिए पैसा खर्च होगा, तपस्या के लिए कष्ट होगा, पूजा अर्चन के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ठाकुर जी के नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है, कोई पैसा की जरूरत नहीं। भगवान ये नहीं कहते हैं देख तुम मेरे नाम लोगे तो मेरे कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर बोलते हैं? ठाकुर जी नहीं बोलते। बड़ी मीठी दवा कलयुग में। भगवान को पता था कलयुग का जीव इतने कठोर साधन नहीं कर सकता, इसलिए सबसे सरल उपाय दे दिया, ठाकुर के नाम करो, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी के नाम। घर में जो कुछ काम करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, ये घर किसने दिया है? ठाकुर ने दिया है, ठाकुर का घर है ठाकुर जी, इसलिए हाथ में झाड़ू लगाओ समझो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे, और मुंह में भगवान का नाम लो। घर में रसोई बनाओ, बोले रसोई किसके लिए बना रहे हो? बोले ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हो, भगवान की
भोग लगेगी, इसलिए हाथों में सेवा करो और मुंह में ठाकुर का नाम लो। कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई कष्ट की जरूरत नहीं। बच्चे किसने दिया है? ठाकुर ने दिया है। बच्चा किसके बच्चा है? आप बोलोगे मैं जन्म दिया, ठाकुर का बच्चा कैसे हो गया? जन्म तो मैंने दिया। नहीं, हमने जन्म नहीं दी, हमने बच्चे जन्म नहीं दी है, ये ठाकुर को कृपा से ही बच्चा आया है। देखना, कुछ कुछ लोग चाहते हैं, कोई बांझ, कोई स्त्री बांझ हो जाती है, कितने कष्ट करती है बच्चे के लिए। जब बच्चे होता है, होता नहीं। कोई चाहते हैं बेटा हो, लेकिन बेटी हो जाती है। कोई बोलते हैं बेटी हो, बेटा हो जाता है। अगर हमारी इच्छा से होता तो हम जैसे चाहते तो वैसे होता, हम जैसे साथ थोड़ी होता है, नहीं है। इसलिए बच्चा कौन देता है? ठाकुर ने बच्चे दिए। ये बच्चा किसके हैं? ठाकुर जी की बच्चे मानकर इसको पालन करो, ठीक है। इसलिए हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस मुक्ति। और क्या, और क्या कष्ट? कलयुग में कितना कष्ट। लेकिन इसमें बताए भगवान का नाम तो ये मीठी दवा है, लेकिन उसकी कुछ परहेज भी है। बोले चार नियम का पालन करनी चाहिए। बोले क्या है? पहला नंबर है, किसी तरह का कोई नशीली वस्तु को मत लो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, फुटका, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए है? नशा तो एक ही हो, ठाकुर का प्रेम की नशा हो, ठाकुर की भक्ति की नशा हो, ठीक है ना। इसलिए आप अब बच्चों को, पतियों को शराब फराब पीने नहीं देना। गांव में शराब पीते हैं सब? जी सब पीवे है। देखो ये बोले सब पीवे हैं, हमारी तरफ शराब बहुत पीते हैं, ज्यादा बोलना तो पता है। हां, शराब उसको पीने मत देना। देखो शराब पीने से ना, बोले तीन लाभ है। बोले लाभ है? देखो ध्यान देकर सुनो, कभी बच्चों को शराब फराब पीने मत दिया करो। पहला लाभ है, जो शराब पिएगा ना वो बूढ़ा नहीं होगा। बोलो बूढ़ा नहीं होगा मतलब क्या? बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा ना, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, बोले बूढ़ा होगा कब? दूसरा लाभ क्या? घर घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सब बेच बाच करके गहना पहना पी पा कर खत्म कर देगा, फिर चोरी किस चीज की होगी? बोले तीसरा लाभ किया, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, पीप आकर कभी पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह में पेशाब कर जाएगा। इसलिए इस सब बच्चों को, पतियों को ना, इस सब चीज पे सावधान करना मत आए, ठीक है ना। सबसे बच्चों को सावधान करना, बच्चे इस सब चीज को मत पिया करो, ठीक है, सबके सब सावधान करना। इसलिए इस सब चीज को नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए। बोले पहला नंबर है, दूसरे नंबर जुआ मत खेला करो। क्या नहीं खेलनी चाहिए? जुआ। जैसे युधिष्ठिर महाराज सिखा दिया, देखो जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गए, राज्य गया, भाई गए, द्रौपदी की भरी सभा में वस्त्र हरण देखना पड़ा। इसलिए कभी भी जुआ नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को, पतियों को जुआ खेलने से उनको मना करना। और जो तीसरा है, मांस, मछली, अंडा, ये सब उसको नहीं लेनी चाहिए। कोई गाँव में खाते है सब चीज को? नहीं खाते है ना। बोलो सही सही बोलो, ये सही बोलेंगे, कुछ खा में ये सही बोल देते हैं, और बाहर जाकर खा लेते हैं, घर में नहीं खाते। लेकिन ये सब चीज को नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज गंदी चीज है। और यहाँ तक भी कहते जो प्याज लहसुन है, कहते ये प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। बैठ जाओ। इसलिए प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। देखो बोले प्याज लहसुन क्यों नहीं खाए? आप लोग नवरात्रि रखते हो? कौन कौन नवरात्रि रखते हो? सब रखे हो? 9 दिन तक प्याज लहसुन घर में खाते हो? 9 दिन तक नहीं खाते है ना। क्यों नहीं खाती हो? माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो। कान्हा को भोग लगता है? कान्हा को प्याज लहसुन भोग लगाते हो? नहीं लगाते। देखो जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो चीज हमारी कान्हा को पसंद नहीं, जो चीज मोहन बाबा को पसंद नहीं, जो चीज गिरिराज बाबा को पसंद नहीं, वो चीज भी हमारी पसंद में नहीं आनी चाहिए। जो चीज ठाकुर जी को भोग लगता है वही चीज हमें लेनी चाहिए। देखो कृष्ण गीता में कहते हैं, भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। माता सब ध्यान देकर सुनो, इधर उधर मत देखा करो। कहते हे अर्जुन, जो लोग अपना लिए रसोई बना करके खुद खा लेते हैं, भगवान कहते हैं भुंजन्ते तु अघम, कहते वो पाप भोजन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुझे अर्पण करके खाते हैं वो अमृत पाते हैं। मीरा का नाम सुनी होगी, राणा ने भेजा 20 का प्याला, लेकिन अमृत करके पी लिया। बोले क्यों? वो जब तक कान्हा को भोग नहीं लगाते ना, तब तो कोई चीज नहीं खाती है।
वो कान्हा को पूजा करती थी, इसलिए उन्होंने ठाकुर को भोग लगाई, अमृत बन गया। इसका मतलब है जब ठाकुर को भोग लगाएंगे वो अमृत बन जाएगा। क्या बन जाएगी? अमृत बन जाएगी। सुदामा का नाम सुने होंगे, कौन कौन सुने सुदामा का नाम? सब जानती हो, टीवी में देखी होंगी। ये पहले गरीब क्यों बना, फिर धनी क्यों बना, आपको पता देखे होंगे। जब गुरुकुल में कृष्ण सुदामा जा रहे थे, इनकी गुरु माता ने उनको चाना दिया था, बोले कृष्ण को देकर खाइयो, लेकिन उसने क्या किया, छुपा छुपा कर खाए, उसने ठाकुर को नहीं दिए, इसलिए उसको गरीब। माता जी बच्चे को लेकर पीछे बैठ जा, तुम पीछे इसको लेकर बैठ जा, इसलिए उनको क्या बनना पड़ा, उसको गरीब बनना पड़ा। लेकिन फिर धनी कब बना उसने? जब फिर भगवान को दर्शन के लिए जब गए, फिर दो मुट्ठी उनने चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य सुदामा को दे दिया। इसलिए आप देखे होंगे टीवी में जब सुदामा जी आए, घर में सोने की महल बनी हुई थी, हैं? अपना घर को उसने पहचान नहीं पाया। इसका मतलब है भगवान को देख कर खाओगे ना, घर में लक्ष्मी की भी कृपा होगी। अगर बिना दिए खाओगे घर में फिर दरिद्रता आती है। इसलिए क्या करो, भगवान को भोग लगा कर खाओ, लेकिन अगर प्याज लहसुन अगर बनाओगे तो ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते हो, ठाकुर को भोग फिर नहीं लगता है। इसलिए नियम है प्याज लहसुन को नहीं खानी चाहिए। देखो क्यों नहीं खानी चाहिए, पुराने में कथा आती है, पहले आश्रम में गैया पालते थे, जो गैया माता है, गो माता है, इसलिए कोई गैया अगर बूढ़ी बन जाती थी वो गैया को मरने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ में गैया की बलिदान देते थे, लेकिन उनको पास में इतने मंत्र शक्ति थी, जब मंत्र पढ़ते थे गैया फिर जवानी बन जाती थी। कोई गैया बूढ़ी हो गई, उसको उन्होंने बलिदान दिए, लेकिन एक व्यक्ति ने मांस को छुपा दी, उन्होंने अग्नि कुंड में आहुति नहीं दी, लेकिन जब गैया जवानी बनी ना, देखा वहां पर इतना बड़ा घाव बना हुआ, ऋषि त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाया तो देखा किसने मांस खाने के लिए उन्होंने छुपाया, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले मैं अभिशाप देता हूँ जहां पर ये मांस को गाड़ दिया वहां पर प्याज की पौधा होगी, जैसे मांस लाल लाल रंग के, ये प्याज भी लाल लाल रंग के बनेगा, है ये प्याज भी लाल, और जैसे मांस से बदबू आती है ये प्याज में भी बदबू आएगी। इसलिए देखा कच्चा प्याज खाओ मुंह पे बदबू मारती कि नहीं, यहाँ पर प्याज काटो पता चलेगा कहीं यहाँ प्याज कहीं यहाँ कट रही है, हैं? इसलिए भगवान को भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, ठाकुर जी नहीं खाते हैं। इसलिए 9 दिन तक जब नवरात्रि आती है फिर माताएं भी ये चीज को कोई घर में नहीं घुसाते, नहीं घुसाते ना, नहीं घुसाते है ना, क्यों? माता जी को पसंद नहीं, फिर क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा, इसलिए ठाकुर जी को जो पसंद नहीं ना वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है? इसलिए अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी की कृपा हो, घर में बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, बोलो पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अगर चाहते हो हमारे घर में पैसा आए, क्या करो, जो कुछ घर में खाना बनती है बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, है ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, पैसा अगर भगवान के भोग में लग गया ना लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ नारायण की सेवा, जहाँ नारायण की सेवा करोगे लक्ष्मी तो वही आएगी ना, और जहाँ नारायण की सेवा नहीं करोगे लक्ष्मी फिर कहाँ से आएगी, ठीक है? क्या करना है, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाया कर, एक चीज अच्छे तरह से इसको पकड़ लो। और भगवान की भक्ति करने के लिए कहते विशेष करके ये जम महाराज जमदूतों को कहते हैं हमें 3 नियम को पालन करनी चाहिए। बोले पहला नियम क्या है, बोले जो तिलक है ना ये तिलक जरूर लगानी चाहिए, ये तिलक की बड़ी महत्व है। आप लोग तो हिंदू है, देखना जैसे घर में ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा, जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा ना तब तक तो पूजा ही नहीं करवाता है। बोले क्यों? बोले तिलक के बगैर पूजा निष्फल है। जैसे अच्छे कोई बिजनेस में कोई जा रहे, अच्छे कोई बढ़िया काम में जा रहे, हम तिलक लगा कर भेजते, बोले क्यों? ये जो तिलक है ना ये विजय का लक्षण है। अगर तिलक लगा कर कहीं भी जाओगे तुम, जरूर तुम्हारी वो काम फलीभूत होगा, जरूर वो काम होगा, है? इसलिए तिलक लगानी चाहिए। और गले अब जैसे माताएं हैं, जैसे माताएं यहाँ पर बैठी कुछ माताएं, हमें कैसे पता चलता है कौन सधवा कौन विधवा, पता कैसे चलता है? जो सधवा स्त्रियां हैं सिंदूर लगाए, मांग भरी हो, मंगल सूत्र पहनती हो, नाक में बेसर पहनती है ना, इससे पता चलता है
सदा भाई, है ना, सदा भाई। क्योंकि उसी तरह ये जगत का पति के लिए तो हमने इतने श्रृंगार किए हैं, लेकिन जो असली जो पति का जो पति है, जो परम पति हमारे ठाकुर जी, उसके लिए क्या चिन्ह तुम्हारे शरीर में? कहते उसके लिए चिन्ह होनी चाहिए हमारी, तिलक होनी चाहिए। जो तिलक है ना, देखो ये जो लाइन है ना, ये ब्रह्मा है। ये जो बीच में देखो ये खाली स्थान है, ये विष्णु है। और इधर जो रेखा है ना, ये महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये जो दो जो लाइन देख रहे हो, ये ठाकुर का दो चरण है। उसका नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी पता देते हैं, उसका भाग देखो, ये तुलसी पता जैसे ठाकुर जी के चरण में दिए हैं। इसलिए ये जो तिलक है, कहते ये बुजुर्गियों का चरण धूलि है, गोपियों का चरण धूलि। ये नारद जी इसको लेकर के द्वारका में गए, भगवान को स्नान कराया गया, तो वहीं से ये तिलक आती है। जहां तक ये तिलक नहीं मिलती है, तिलक की बड़ी महत्व है। देखो ये गोपी को तिलक लगाए, दिखा दो तो सबको घूम करके। देखो ये तिलक लगाए ना, तिलक है ना माता जी की, तिलक की बड़ी महत्व है। और जो दूसरी चीज है, गले में तुलसी की कंठी पहना करो। ये तुलसी को लकड़ी मत समझो, पृथ्वी का सबसे ज्यादा जो मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष में है, सबसे ज्यादा मेडिसिन। अभी रामदेव बाबा ने कोरोना के लिए दवा निकाला ना, आप पढ़ करके देखना, उसमें ज्यादा तुलसी था उसमें। और जो कोरोना आई थी तुलसी था। अगर कोई जो तुलसी के काढ़ा पी रहे थे ना, उनको कोरोना परोना कुछ नहीं हुई है। बड़ी महत्व है तुलसी पत्ता की। दो तो पत्ता अगर ठाकुर को भोग लगा कर खाओ ना, कभी तुम्हें कैंसर टीबी कभी जिंदगी में नहीं होगी। तुलसी वृक्ष की इतनी महत्व, इसलिए हमारे हिंदू लोग क्यों तुलसी रखते हैं, देखो ना आंगन में तुलसी रखते हैं ना, ये कहा सकता हूँ। इसलिए जो तुलसी है ये लक्ष्मी है। तुलसी कौन है? देखना नारायण को साथ में तुलसी की शादी होती है ना, होती है ना, इसलिए हाँ, इसलिए क्यों, ये लक्ष्मी है। अगर गले में कंठी हो तो कौन घर गले में तुम्हारी कौन आ गई? लक्ष्मी आ गई। हम बोलते ना वृंदावन चलो बांके बिहारी, मतलब क्या वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वही ठाकुर जी। अगर गले में तुम्हारी कंठी हो तो कौन आ गई बोलो? लक्ष्मी नारायण तुम्हारी गले में बैठी गई। जिस गले में तुलसी कंठी स्नान करोगे ना, इसका पानी टच करते हुए शरीर में जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारी अपने आप चली जाएगी शरीर से। शास्त्र ने बताया जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी पहन करके स्नान करते हैं, मतलब पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ में तुम्हारी नहाना हो जाती है। और जम महाराज जमदूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको जमपुरी मत लाना। बोले पता कहीं चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता? तब उन्होंने अच्छे उदाहरण दिए। बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? कहते हैं कि पालतू और एक फालतू। देखना जो पालतू कुकुर घर में जो पालतू कुत्ते थे, देखना गले में पट्टा बंधा हुआ है ना, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते हैं। और जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं बिना पट्टे के, वो फालतू है। अब देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में अगर तुम्हारी तुलसी कंठी, हम किसके पालतू है? बांके बिहार के। हम मोहन बाबा कृष्ण की हम पालतू है, ठाकुर जी की पालतू हमें, फिर हमें जमदूत कभी हाथ नहीं उठाएगा है। इसलिए गले में कंठी नहीं रहेगा तो फिर तो फालतू है, फिर दुनिया तो मारेगा, क्योंकि तुम्हारे कोई मालिक है नहीं। इसलिए गले में क्या करो, जरूर गले में तुलसी की माला जरूर पहना करो, ठीक है। किसके किसके गले में तुलसी की कंठी है? कंठी किसके किसके गले में है? दो तीन चार, तुम्हारे गले में कंठी है? तुम्हारे गले में कहाँ है? हाँ, ये माता जी पालतू माता है, इनके लिए ताली बजाओ पालतू माता के। इसलिए इसलिए आप लोग भी सबके सब क्या बन जाओ, ठाकुर जी की पालतू बन जाओ, फिर आप लोग कभी जमपुर नहीं जाओगे, सीधा भगवान के धाम में जाओगे। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। बोले एक समय कोई एक मुसलमान जा रहा था, हठात देखा तीन जमदूत वहां पर खड़े, बड़े भयंकर स्वरूप है। अब देख करके भागने लग गए। जब भागने लग गए, इतने में जो तीन जमदूत, बोले भैया डरने का कोई बात नहीं, तुम अपना रास्ता में जाओ। बोले तुम लोग है कौन? बोले हम जमदूत। बोले यहाँ क्यों खड़े हुए हो? बोले कोई मरने से पहले हमें पहले से ही मैसेज मिल जाता है, पता चलता है। बोले कोई मरने वाला? बोले हाँ, थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर का इधर से आएगा। और यहीं आते ही इतने में जो बैल है ना, बड़ा क्रोधित होकर के गला से रस्सी को तोड़ करके भागेगा। जब वो किसान पकड़ने जाएगा, वो सींग से उसको मार करके वही खत्म कर देगा।
इसलिए हम उसको लेने के लिए आए हैं। वो देखने के लिए वहीं खड़े हो गए, सचमुच से देखा बैलगाड़ी आ रही, किसान आ रहे। और वहीं आते ही ना वो गले से रस्सी को तोड़ा और बैल ने भगा। जब भगा वो किसान, जब पकड़ने के लिए गया ना, ए बैल ने किया कि सींग से उसको पेट को मारी, मारे तो वहीं पर पेट को फाड़ कर वहीं पर उसने फेंक दिया। लेकिन जब फेंक दिया ना, बाईचांस वहां पर एक तुलसी की बगीचा थी, उसका जो शरीर है तुलसी की बगीचा में शरीर गिरा। जब तुलसी में गिरा, इतने में झट चार विष्णु दूत आ गए वैकुंठ से, भगवान के दूत आ गए। जब आ गए जो जमदूत उसको लेने के लिए आए थे ना, उसको देख कर भगे वहां से, प्राण लेकर भागे और व्यक्ति मुक्ति हो गई। जब मुक्ति होकर चले गए, इतने में वो मुसलमान बोले, जमदूत आए बोले, भैया ये क्या हुआ, तुम लोग तो जो बोल रहे थे सही बोला, किसान आया बैल ने मारा, लेकिन जो अंतिम दृश्य था तुम लोग भाग गए, ये कहां से चार कहते इतने सुंदर पुरुष आए, उनको लेकर कहां से, इसे क्या हुआ। बोले एक अनहोनी हो गई। बोले क्या है, बोले बैल ने इसको जो मार करके गिरा है ना, वो जहां गिराया था तुलसी की पेड़ था, वो तुलसी एक लक्ष्मी है और तुलसी में स्वयं भगवान कृष्ण का निवास है। ठाकुर जी तुलसी में, कृष्ण और लक्ष्मी दोनों के निवास ये तुलसी वृक्ष में है। इसलिए जब हमारे देश में क्या करते थे, जब अंतिम समय में कोई शरीर छोड़ता ना, उसके जीवा में गंगा पानी और तुलसी पत्ता दे देते थे, हैं, क्योंकि इसको देने से फिर उसको अधोगति नहीं होता है, उसको भगवत राज्य प्राप्त होता है। हमने देखा हमारे गांव में जब अंतिम समय होता था, उसको सर के पास में तुलसी पौधा रख लेते थे, क्योंकि जहां तुलसी के पौधा नहीं, जमदूत वहां नहीं आते हैं, ये जमदूत वहां पर नहीं आते हैं। वो जो मुसलमान देख कर बोले, इतने तुलसी वृक्ष की इतने महिमा, उसने किया क्या, घर में आया, घर में आकर के तुलसी के पेड़ को उसने सूखा लकड़ी को लेकर काट काट कर कंठी बनाई और गले में उसने तुलसी की कंठी पहनी। लेकिन तुलसी कंठी कौन पहनते, हिंदू पहनते हैं। लेकिन देखा लोग, देखो एक मुसलमान तुलसी कंठी पहना, सब पूछे भैया तू ये तुलसी कंठी क्यों पहने, वो तुम्हारा धर्म नहीं, हिंदू लोग पहनते हैं। उसने ये सारी कथा सुनाई, मैंने अपना आंखों से ये चीज को देखा, ये गले में एक तुलसी वृक्ष में टच होते ही उसने सीधा वैकुंठ चला गया। इतनी महिमा, हम नहीं कह रहे ये जम कह रहे हैं, देखो श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस है। कहते जिसके गले में कंठी तिलक नहीं, वो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है। इसलिए गले में कंठी जरूर पहना करो, लेकिन पहनने के लिए नियम है प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, इतना परहेज। और मांस मछली अंडा तो तुम लोग गुजरी हो, संस्कारी घर में गोपी घर में जन्म हुए हो, बड़े भाग्य से गुजरी घर में जन्म होते हैं, साधारण भाग्य से मत समझो गुजरी घर में आए हो। ये सब गोपियां हैं, गोपियां की परंपरा है, गुजरी है, हैं, इसलिए गोपी तुम लोग सबसे पूरा अभी तो आधा गोपी हो, लेकिन पूरा गोपी कब बनेंगे, जब गले में कंठी तिलक लगाओगे ना, भगवान के नाम जब करोगे, पूरा गोपी बन जाओगे। देखो ये, इसको देखो, ये पूरा गोपी दिखती है, एक बार घूम कर सबको दर्शन दे दो, तो दर्शन दे दो, देखो कि अच्छी लग रही कि नहीं, हैं, अच्छी लग रही कि नहीं। हाँ, इसलिए तिलक जो है ना, ये असली ये सुहाग है। जो व्यक्ति तिलक धारण करेगा, कंठी धारण करेगा ना, अगले जीवन में कृष्ण उसको अपना गोलोक वृंदावन में असली गोपी रूप में जन्म देते हैं ठाकुर जी, है, अपना पटरानी बनाकर कन्हैया ले जाएगी तुमको, फिर कान्हा ले जाएंगे, गोपी बन करके जाओगे ठाकुर के पास में, इतने महिमा इसको, ठीक है। और जो तीसरी चीज है, क्या करनी चाहिए, भगवान की माला जप करो। अभी प्रभु जी कथा सुना रहे थे ना, किसको याद है 10% की जो कथा सुना रहे थे, किसको याद हो गए, ठाकुर जी क्या बोले, वो बिजनेसमैन कौन है, ठाकुर जी है, और जो रोड का भिखारी कौन है, हम ही है, हम दुनिया में घूम रहे थे। ठाकुर जी बोले पूरा का पूरा मेरे बिजनेस तू ले ले, लेकिन मेरे को तू 10% दे, 90% तू रख। लेकिन इसने क्या किया, 10% भी देने के लिए उसको नहीं आया है, 10% भी देने के लिए नहीं आया। जब गए इसने, ठाकुर जी बोले भैया तेरे साथ में मेरी डील हुई थी 90% तू रख, मेरे को 10% दो, लेकिन 6 महीना बीत गया, तू तो 10% भी देने के लिए नहीं आया। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोलता है, तुम कौन हो, बोले मैं कौन हूं, तू रोड में भीख मांग रहा था, सारे बिजनेस मैंने तेरे को दे दिया है, सारे बिजनेस तो दे दिया, इसका मतलब क्या, आप बताओ, जब संसार में आए हम क्या लेकर के आए थे, बोलो, मुट्ठी बांधी आया जगत में, हाथ पसर जाओगे, आते समय क्या बच्चे को देखे ना, हाथ मुट्ठी रहता है, मतलब कि अपना कर्म का फल लेकर के बुलाती है,
हैं, इसलिए आते समय हम कुछ भी नहीं लेकर के आए, कुछ भी लेकर नहीं आए। जो कुछ दिया किसने दिया है, दुकान मकान घर परिवार किसकी कृपा से हमें मिला है। कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। सब कुछ ठाकुर ने दिया, लेकिन ठाकुर जी कहते भैया तू सब कुछ रख, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे को 10% दे। मतलब क्या, पैसा नहीं मांग रहे तुमसे, 10% केवल मेरे को समय दे, केवल मेरे को 10% तू समय दे। लेकिन हम क्या कहते, तू कौन हो? इसलिए सूरदास का एक पद है, ये सूरदास जी कहते हैं, बोले जिनी तनु देही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास का पद है, जिनी तनु देही, जिसने कृपा करके हमें ये इंसान का जीवन दिया। अगर ठाकुर चाहते तो तुमको लंगड़े लूढ़े बना सकते थे। कितने लोग अंधे होकर घूम रहे हैं, कितने लोग लंगड़े लूढ़े होकर घूम रहे हैं। ठाकुर हमें लंगड़े लूढ़े बनाए, अंधा बनाया। कितने जैसे कुत्ते देखो, कुत्ते रास्ता रास्ता में घूमते हैं, बैल घूमते, गधे घूमते। ठाकुर जी जीवन दिया, भगवान ने हमें कृपा करके इंसान का जीवन दे दिया है, इंसान का जीवन दे दिया। हट्टे कट्टे सब कुछ ठाकुर जी दिए हमें, लेकिन ठाकुर जी कहते सब कुछ मैंने तेरे को दिया है, 10% मेरे को दे। मतलब थोड़ी सी समय सबरी निकाल करके अपना माला लेकर क्या करो, ये हरे कृष्ण कलयुग में ये महामंत्र है। हरे मतलब क्या, हमारे दुख जिसमें हरण हो जाए, कृष्ण मतलब मन को शांति मिले, राम मतलब आराम मिले। अगर ये नाम करोगे तो तुमको जीवन में शांति मिलेगी, आराम मिलेगी। लेकिन हम क्या ऐसे नमक हरामी ऐसे है, हम ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं करते। दिन भर क्या करते हो, कैसे बीबी को खुश करे, कैसे बच्चे को खुश करे, कैसे बहू को खुश करे, कैसे सास को खुश करे, कैसे ननंदों को खुश करे। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखना संसार में अक्सर करके ज्यादा हम जो काम करते हैं सबको खुश करने के लिए है ना, अपना लिए बहुत काम करते हो। जैसे माता है सबको खिला पिला करके, अगर सब्जी बच गया तो खा लिया, नहीं तो नमक से दो रोटी खा लेते, खाते कि नहीं है इसे, दूसरों को खुश के लिए करते हैं। तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, अभी तुम्हारी परिवार में तो तुम्हारी ऊपर कोई खुश है, बोल दो। अब सही से बताओ, तुम्हारी ऊपर घर में कोई खुश है? बहू को ऊपर कोई खुश, ना सास को ऊपर खुश, कोई ननद को ऊपर खुश? देखना तुम्हारे पीछे तुम्हारे सब चुगली करते होंगे, केवल बदनामी करते सिवाय दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। बदनाम का सिवाय जगत में कुछ भी तुम्हें मिलने वाले नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाले। लेकिन ठाकुर जी के लिए थोड़ा कर दो, ठाकुर का अंगुल, ठाकुर कृष्ण का अंगुल कट गया, द्रौपदी ने क्या किया, थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं कब समय मिलेगा, कब इसका ऋणी मिलता है। भरी सभा में जब लाज जा रही थी, द्रौपदी का कितने पति थे, पांच। कोई काम में आए, कोई नहीं आ रही, सब बैठे थे। कोई काम में आए, कोई भी काम में नहीं आए। सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, कोई काम में नहीं आए, संसार में कोई भी काम में नहीं आए। काम आए तो लास्ट में कौन आए, कन्हैया मोहन बाबा ही काम में आए, कोई और काम में तुम्हारी नहीं आएगा। शिक्षा देते भैया अंतिम समय में काम में आएगा तो ठाकुर ही काम में आएगा। जब ठाकुर ही काम में आएगा फिर उसके लिए समय क्यों थोड़ा नहीं दे, ठीक है ना। कौन 10% देते, हाथ उठाओ। तो पैसा नहीं, ठाकुर जी को समय, ठाकुर जी को समय दे, ठीक है ना। केवल उनको 10% दो, अगर 10% नहीं 5% दो ना। मतलब क्या, समय को निकालो, निकाल करके प्रभु का हरि नाम करो। देखो जीवन में जो कुछ करो करो, लेकिन जब अंतिम समय आता है, अब देखे होंगे ना जब चार व्यक्ति ले जाता है कंधे पर, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो पीछे जो बैठे हो क्या बोलते हैं लेकर जाते हैं समय, यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बाज उठा, यही बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या, किसको सुनाते हैं, वो ऊपर जो लेटा हुआ था उसको सुनाते हैं। बोले भैया जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही तो जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है ना सब झूठे में बिताया, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही। पत्नी जाएगा तो रो रो कर कहाँ तक, दरवाजा तक जाएगी, वो आगे नहीं जाती है। और हमारी नुपुर दीदी बोल रही थी कोई कोई पत्नी तो दरवाजा तक जाती है, अभी तो कोई दरवाजे तक भी नहीं जाती है। हाँ, जहाँ की जहाँ बैठ करके थोड़ा रो लगी, दो चार दिन रो लगी, उसके बाद में खुद मस्ती और दिखावा करेंगे ना समाज के लिए। हाँ, इसलिए कभी दिखावा करती है।
इसलिए परिवार वाले कहाँ तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, हैं? वहीं पर जला करके टाटा करते करते वहीं से वापस आ जाएंगे। फिर आगे क्या जाएगा, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने भगवान के नाम करेंगे वही जाएंगे, ठीक है ना। आप सबको एक एक माला दे करके जाऊंगा, ठीक है, सबके सब माला में हरिनाम करियो, कौन कौन माला लेकर हरिनाम करो, हाथ उठा। नहीं थी तो मार पापी, मैं तो छोड़ी हूँ, इसलिए आप लोग ना एक एक माला दे जाऊ। आपने कभी आए थे ना हमारे पास में? नहीं आपको देख कर लगता है कहीं देखा कि नहीं आए कभी? शुरू में होता ना आते जिनके घर पे होते, बड़े भैया है, बड़े भैया छोटे नहीं, इनको देख करके हम लगा जैसे हम खड़ी आपको देखा है, जानता हूँ। हाँ? हरे कृष्णा करते हैं ना रोज, इसलिए ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। हरे कृष्णा आप लोगों के माला दे जाऊंगा, सबके सो एक माला लेकर जाना, ठीक है, सबके सो हरी नाम। देखो माला कैसे करोगे, देख लो इधर, देख लो मेरे तरफ में, देख लो माला कैसे करोगे, जो माला को ना ऐसे निकालना, हाँ माला हिलाया हो, कितने माला सब सस्ते तो नहीं गला सब, ठीक है, अच्छी था माला ना। हाँ जो माला लगा इधर आ जाओ, एकादशी गलत टाइम पे रखते हैं। हाँ हाँ देखो, हाँ देखो, हरे कृष्णा इधर सुन लो, आप लोग एकादशी व्रत रखते हो? हाँ आज रखा है बहुत लोग, आप लोग ने आज रखे हो। देखो जो एकादशी है ना, इधर सुन ध्यान देकर, कभी कभी ये दशमी युक्त एकादशी आती है, दशमी विधा कहते हैं, लेकिन जो द्वादशी युक्त जो एकादशी है ना, वैसे एकादशी जो महिमा है द्वादशी युक्त जो एकादशी, उसको विशेष महिमा, उसका विशेष फल है महाद्वादशी। जब एकादशी में द्वादश मिल जाए उसको सबसे बड़ा पुण्य मानी जाती है। लेकिन आज जो एकादशी है वो बंगाल उड़ीसा के लिए एकादशी, लेकिन हमारी इधर जो एकादशी है इस तरह के लिए वो एकादशी कल है। ये द्वादश युक्त एकादशी इसका विशेष महत्व है। और इधर सुना, दो मिनट सुन लो, जो एकादशी की कितने महिमा, एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत, कल्पतरु व्रत मतलब होता है एकादशी करके जो मांगोगे सो मिलेगा। इसलिए आप कभी एकादशी ग्रंथ को पढ़ करके देखना, एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिस घर में पैसा की कमी है अगर वो एकादशी करोगे ना घर में पैसा है। एक एकादशी का नाम है अन्नदा, जिसको घर में अन्न शस्य की कमी है अगर वो एकादशी करोगे ना तुम्हारे घर में अन्न शस्य खूब तुम्हारे घर में आएगी। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, अगर उसको कोई करेगा तो संसार से मुक्ति मिल जाएगी। एक एकादशी का नाम विजया, अगर वो एकादशी करोगे तुम्हारी कोई पराजय नहीं होगी, हर समय तुम्हारी विजय विजय होगी। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी, जिसको करने से जीवन का तुम्हारी सारे पाप नष्ट हो जाएगी। दुख कष्ट क्यों भोग करते हैं, पाप की वजह से। देखना बड़े से बड़े पापी है, बड़े से बड़े पाप कोई दुख कष्ट भोग कर रहा है, आप एकादशी का व्रत लेकर उसका फल दे दो, सारे पाप नष्ट हो जाएगी उसके। इसलिए हर एकादशी का अलग अलग नाम है, खुद पढ़ करके देख लेना, अलग अलग सब एकादशी का महिमा अलग अलग है। जैसे कोई सोम मंगल बुध अलग अलग व्रत करते हो तब बताए, अगर कोई दूसरे व्रत नहीं करोगे ना तुम्हारी हानि कुछ नहीं होगा, लेकिन एकादशी नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है। क्योंकि एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको सारे पाप भुगतना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति एकादशी करेगा शास्त्र गारंटी देता है कभी नरक नहीं जाओगे, कभी कभी तुम नरक नहीं जाओगे। एक समय कुछ लोग बैठे हुए थे, छोटी सी कथा, कुछ लोग बैठे हुए थे, हठात देखा वो गांव में जो व्यक्ति मर गया था हठात ऊपर जिंदा पर खड़ा, बोले ये क्या है, ये तो मर गया था ये यहाँ कैसे आ गया। बोले उसने बोला भैया डरने की बात नहीं, बोले तू तो मर गया था पर यहाँ कैसे आए हो, बोले मैं जमदूत बन गया हूँ। बोले जमदूत कौन बनते हैं, बोले जिसको भगवान इंसान का जीवन दिया लेकिन जीवन पाकर के जो प्रभु की भजन नहीं करते हैं ना फिर नरक जाते हैं। जो व्यक्ति 100 बार नरक भोग कर लेता है ना, जम महाराज सोचते हैं कि नरक का बड़ा भगत है, इसलिए नरक का इसको जमदूत बना दो। क्योंकि जो व्यक्ति एक जगह पर बार बार जाएगा सारे ज्ञान तो हो ही जाएगा, इसलिए मेरे को जमदूत बना दिया, बड़ा कष्ट जीवन है। बोले एक काम बता सकते हो, बोले बोलो, बोले ये जमपुरी कौन नहीं जाएगा, नरक कौन नहीं जाएगा। उन्होंने बताया खुद, बोले जिसकी गले में तुलसी कंठी वो कभी नहीं जाएगी, जो एकादशी व्रत रखते हो कभी कभी भी वो नरक नहीं
जाएगा, जो एकादशी व्रत रखते हैं जिसके गले में तुलसी की कंठी की, वो रहता है नरक में, वो जानता है कौन कौन वहां पर जाते हैं। अगर कंठी धारण करोगे, तिलक हरिनाम करोगे ना, नरक नहीं जाओगे, एकादशी व्रत करोगे तो इतने महिमा ये एकादशी की, ठीक है। इसलिए एकादशी का दिन अन्न मत खाया करो, है केवल जैसे गेहूं से जो चीज बनती है दाल चावल ये सब चीज को सरसों से परोस, जान तो आप लोग जैसे नवरात्रि आती है ना, जैसे आप लोग आलू की सब्जी खाते हो, केले खाते हो, फल खाते हो, दूध दही खाने के लिए तो बहुत चीज है। एक समय दो पति पत्नी थे, सवेरे सवेरे लड़ाई हो गई, उठते लड़ाई हो गया, देखना दो तीन दिन तक एकादशी व्रत हो जाती घर में। इतने में लड़ाई हो गई तो पत्नी ने बोली आज मैं खाना नहीं बनाएगा, सवेरे सवेरे लड़ाई शुरू कर दी। पति बोला मैं खाऊंगा तभी तो तू बनाओगी, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा। बस दोनों लड़ाई हो गई और पूरा निर्जला एकादशी हो गई। अगले जीवन में जानते हो क्या बने, राजा रानी होकर जन्मोगे, देश का राजा रानी अनजान में एकादशी करने से, इतने महिमा एकादशी की, ठीक है। कल एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत करना, उसका जो व्रत खोलने का समय है 7:30 बजे को बाद में 9:30 बजे को अंदर में प्राय करके रहता है, 10:30 से पहले पहले, हाँ 10:30 को अंदर में और 7:30 के बाद में ना, हाँ 7:30 को अक्सर करके रहता है, सूर्य उदय के बाद में 9:10 को अंदर में कुछ ना कुछ मुंह में चावल डाल दो। लेकिन कल विशेष है, 10:30 को अंदर से 7:30 को बाद में थोड़ी सी अन्न रोटी हो कुछ मुंह में देखना, हमारी व्रत खुली जाएगा, ठीक है। और जो नूपुर दीदी है, नूपुर दीदी आप उनको व्हाट्सएप में थोड़ा जोड़ देना, ठीक है जोड़ देना। और यहाँ पर तुम रहती हो, यहाँ पर क्या यही रहती हो तुम इस घर में, और कौन रहती है घर में, तुम भी रहती हो, मेरी बहन ही है। इसलिए एक काम करियो, जैसे ना नूपुर दीदी के साथ में थोड़े संबंध बना कर रखना, और कुछ बात पूछना तो ये बोलती रहेगी, और आप तुम लोग इनको बुला करके थोड़ी थोड़ी घर में सत्संग कर दिया करो, थोड़ी इनकी भगवान के बारे में कुछ कुछ समझा दिया करो। जब हम इधर कभी कभी आएगी, कभी कभी हम इधर भी आ जाएंगे, ठीक है सबके साथ। हाँ देखो कौन माला लेगा, आ जा इधर आकर ले जा, इधर आकर ले जा माला, जो लेने वाले हैं माला दिया। हाँ अगर होगा तो देखो इनका आंगन घर का मालिक भैया है ना, हाँ कभी होगा तो हम लोग को बुलाए करो, यहाँ पर भागवत कथा करोगे ना, कहाँ पर, हाँ बहुत अच्छे, इनके लिए ताली बजाओ जोर से भैया के लिए। देखो भागवत ने बताए करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदय होगा ना तभी ये कथा कोई करा सकते हैं। जब भागवत कथा करो जो पूर्वज लोग है ना सबके सब नाच उठते हैं, कहते हमारे कितने भाग्य हमारे घर में बच्चे को ही भागवत कथा करा रहे, पूर्वजों को उधार हो जाते हैं, कथा से ही उधार होते हैं। आपका गाँव क्या ऐसी गाँव है, परिवार है, इनका आंगन भी बहुत बड़े है, तुम्हारा आंगन भी देख लेना जहाँ पर लोग, हाँ इनका भी है तब तो कोई चिंता नहीं, बहुत अच्छी बात है। हेलो अब लो लो, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे हरि नाम करना, इसमें चढ़ाते रहो 10-10 रुपए यहाँ चढ़ाते रहो। तुम कौन हो, तुम्हारे मैया को तुम्हारे मैया को ले लो, तुम मैया को बुला कर ले, क्योंकि मैया है ना करेगी, तुम्हारी छोटी बच्ची है ना, तुम ले लोगे फिर करोगी नहीं, तुमको नहीं दे, तुम्हारी मैया को दे, तुम्हारी मैया जो होगी उसको ले, पैसा देते ना किसके लिए, एक माला और दे दो कर एक दिन नहीं, एक में किसके लिए, मुझे एक कमी हो सकी मेरी माला का एक मोती हो रहा दे दिया, दिल्ली में है ना जो उसी उसके में नहीं, एकादशी कल करना, आज जो एकादशी कर रहे हो आज